दोस्तों आपको तो पता ही होगा, पुराने समय में हमारी धरती पर विशाल लोगों का राज हुआ करता था, जिनके सबूत आज भी हमें समय समय पर मिलते आ रहे हैं, जो आपको चौंका देंगे। मैसी फुटप्रिंट्स। साउथ अफ्रीका के एक शहर में जब एक आदमी ने इन विशाल पैरों के निशान को एक पत्थर के ऊपर बना दिखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई आम पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि असल में ये 1.2 मीटर लंबे निशान थे, जो कि कई सालों पुराने थे। कई लोगों ने इन फुटप्रिंट्स को एंसेंट समय के एक ऐसे लेजेंडरी क्रिएचर का नाम दिया, जिन्हें हमने किसी कहानियों में सुना है। जायंट ग्रेवयार्ड। ईस्टर्न चाइना के सांडोंग प्रोविंस में मिला ये ग्रेवयार्ड नियोलिस्टिक पीरियड का माना जाता है, जहाँ पर काफी सारे ऐसे स्केलेटन मिले जिनका साइज आम इंसान से बड़ा था, जिसमें उनके कंकाल के अलावा और भी कई ऐसी चीजें मौजूद थी जो इन इंसानों से संबंध रखती थी। शायद इसीलिए उन्हें आज भी इनके साथ दफना दिया गया। साइक्लोप्स। आपने इस क्रिएचर को कई मिथिकल कहानियों या फिल्मों में देखा होगा, जो कि काफी बड़ा और एक आंख वाला क्रिएचर होता था। लेकिन क्या हो जब इनके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि असल में वो स्कल्स हाथियों की उन प्रजातियों के थे जो आज विलुप्त हो चुकी है। वाइल्ड वेस्ट ईडन जायंट्स। अमेरिका के वाइल्ड इलाकों में मिले ये जायंट स्केलेटन असल में 9 फीट के इंसान हुआ करते थे, जिन पर की गई स्टडी से ये पता चलता है कि वो असल में एंशिएंट समय के वो लोग हैं जो उस समय के बाकी लोगों से लंबे हुआ करते थे, और किसी वजह से वो कम हाइट वाले लोगों पर रूल किया करते थे। जायंट फुटप्रिंट्स। टापा कार्टून में मिले ये जायंट फुटप्रिंट्स मिलियंस ऑफ इयर्स पुराने बताए जाते हैं, जिनके सच्चाई जानने के लिए न केवल वहाँ के लोग बल्कि बाहर के टूरिस्ट भी काफी मात्रा में उन जायंट फुटप्रिंट्स को देखने के लिए यहाँ जाते हैं। 2.5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर लंबा ये फुटप्रिंट मिथिकल क्रिएचर के माने जाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि वो क्रिएचर कौन है। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।